हजरत बाबा निजामी रहमतुल्ला अलैह के सालाना उर्स पाक के मौके पर छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट व अल फजर कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में शाही लंगर का एहतमाम सेक्टर 6 जामा मस्जिद परिसर में किया गया। कसीर तादाद में पहुंचे लोगों ने आपसी एकजुटता से शामिल होकर देश व दुनिया में चैन अमन की दुआएं की। छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट व अल फजर कमेटी दोनों की जानिब से हजरत बाबा निजामी रहमतुल्ला अलैह के सालाना उर्स के खास मौके पर सेक्टर 6 जामा मस्जिद के सामने शाही लंगर का एहतमाम किया गया। इस खास मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव व प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधि इरफान खान और साथ ही प्रदेश महासचिव अरुण सिसोदिया सहित बड़ी तादाद में मुस्लिम कौम के लोग शामिल रहे। यहां बता दें कि जिंदा वलियों में एक बाबा हकीम निजामी मौधा कमरिया से थे। उन्होंने अपनी साफ गोई से कौम के साथ दिगर कौम की मदद की और मिसालें पेश की है। यही कारण है कि मुस्लिम कौम के अलावा दिगर कौम के लोग उनके उर्स पाक को खुशियों से मनाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 6 में भी मनाया गया शाही लंगर में फातिहा ख्वाने के साथ सलाम पेश किया गया। सालाना उर्स को लेकर शामिल लोगों ने जानकारी दी। क्या कहना आज छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट और अल फजर कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पे हजरत बाबा निजामी रहमतुल्लाह अलैह के न्याज का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। एक आम लंगर रखा गया है और पूरे भिलाई शहर के लोगों के यहाँ पे इनवाइट किया गया है और मुस्लिम फ्रंट के लोगों ने और अल फजर कमेटी के लोगों ने शुरू से इन सारे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सारे मुस्लिम समाज को और भिलाई के सारे सर्व समाज को इकट्ठा करने में जो उनका योगदान है, आगे भी उन सब की दुआएं हम सबको मिलती रहें और ऐसे आगे प्रोग्राम हम लोग कराते हैं। देखिए, एक सूफी हुए हैं, हमारे हजरत हुए हैं हजरत बाबा हकीम बाबा निजामी साहब, जो एक अपने समय के सूफी हजरतों से एक माने जाते थे। उनके बहुत सारे करामत हैं जो मौधा यहाँ से करीब 600 किलोमीटर पड़ता है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ रोशनी करना चाहूँगा, जब यहाँ भिलाई स्टील प्लांट लगा नहीं था और उनके जो मुरीद थे, उनके जो चाहने वाले लोग थे, उनके जो लोग थे, उन्होंने उस समय कह दिया था कि आप पश्चिम को चले जाइए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लांट लगेगा, उसमें आप लोगों को रोज़गार मिलेगा और आने वाला समय आप लोग का खुशहाल रहेगा। और लोगों ने उनकी बातों को माना और भिलाई स्टील प्लांट में काफ़ी संख्या में उस तरफ से लोग आए और आज वो लोग खुशहाल हैं और अच्छी तरह से। तो ऐसे संत की हर धर्म के लोग, हर लोग उनको अच्छी तरह मानते हैं, उन्हीं के उस पर आज उनका उर्स पाक है। तो लंगर का एहतमाम हमारे मुस्लिम फ्रंट और अल फजर कमेटी द्वारा रखा गया है। मैं अल फजर कमेटी और मुस्लिम फ्रंट के सभी सदस्यों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हमेशा वो नेक कामों में लगे रहते हैं, चाहे वो समाज का काम हो चाहे अन्य समाज का काम हो, लगातार निरंतर मुस्लिम फ्रंट और अल फजर कमेटी लगातार अच्छे कामों में लगी हुई है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भिलाई एक मिनी भारत के रूप में जाना जाता है और हर धर्म की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुस्लिम समाज के ये जो समितियां हैं निरंतर सबको जोड़ने के प्रयास में लगी रहती हैं, उसी की कड़ी में इस तरह के आयोजन ये पूरे एक माह तक लगातार इन लोग करते रहे हैं और ये चौथा सप्ताह है लगातार इन लोगों ने इस तरह के आयोजन करके और ये लंगर का आयोजन किया और बहुत बेहतरीन सोच के साथ सभी समाज को जोड़ने का काम, एक नेकी का संदेश देने का काम किया है। मैं इनको साधुवाद प्रकट करता हूँ कि भिलाई को जोड़कर एक मजबूत और समृद्ध भिलाई बनाने में मुस्लिम समाज की जो योगदान है उसको हम सब हमेशा याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट एवं अल फजर कमेटी ने इस बार प्रथम वर्ष डिसाइड किया कि बाबा निजामी के उर्स पाक के अवसर पे लंगर किया जाए और वो लंगर हो रहा है। पूरे भिलाई की मुस्लिम समाज और सभी लोगों को, सर धर्म लोगों को, सभी को हमने इनवाइट किया, बुलाया उनके, और उनके मानने और चाहने वाले बहुत लोग हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। तो हमने जहाँ तक हम लोग पहुँच पाए, पहुँच के लोगों को दावत दी है, उसका आप देख रहे हैं, यही है। और बाबा के नाम से किया गया है
हम लोग सब धर्म का काम करते हैं, हर चीज़ में रहते हैं और लगातार मुहर्रम के समय, ईद मिलादुन्नबी के नबी के समय और सेक्टर 6 जामा मस्जिद में भी काम कर रहे हैं। छठ में भी हम लोगों ने कच्चा दूध बांटने का काम किया था जो अर्घ दिया जाता है। तो हम लोग सभी धर्म का काम करते हैं छत्तीसगढ़ और मुस्लिम। क्या कहना चाहते हैं? बाबा निजामी का लंगर हम लोग उस हमारे मौके पर लंगर कर रहे हैं, प्रथम वर्ष है हमारा और आवाम भिलाई की तमाम आवाम बाबा निजामी के बहुत मानती है, इसलिए आज यहाँ पर लोग लंगर दूध उठा रहे हैं आगे और हमारा प्रथम वर्ष है छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट की जानिब से हो रहा है। ठीक, छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट व अल-फजर कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया लंगर का पहला वर्ष था। बहरहाल इस खास मौके पर सर्वधर्म की एकता यहां साफ नजर आई। शामिल सभी लोगों ने लंगर के एहतमाम के साथ देश में चैन और अमन की दुआएं दिल से की। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए प्रवीण मिर्जे के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट।